मॉड्यूल थर्टी वन ड्राइव डिमांड जब हम डिमांड की बात करते हैं तो यूजुअली डिमांड जो है वो हम बात करते हैं विद रेफरेंस टू प्राइमरी डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी प्राइमरी डिमांड बेसिकली क्या है इट इज द डिमांड ऑफ द कमोडिटी और इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वान्टिटी डिमांड एंड प्राइस एट रिटेल लेवल फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी लेकिन जब आप ड्राइव्ड डिमांड की बात करोगे क्या होगा

एक तो ये है कि वट इज डिमांड फॉर वीट एट रिटेल लेवल कि इज एन एसोसिएशन बिटवीन क्वानिटी डिमांड फॉर वीट एंड प्राइस साथ में यहां पे क्या आएगा देर इज एन अदर डिमांड वी कॉल्ड एज ड्राइव्ड डिमांड एंड दैट ड्राइव्ड डिमांड बिकॉज ऑफ डिमांड फॉर सर्टन अदर कमोडिटीज वेयर वीट इज यूज एज एन इनपुट क्या हम बात करें बेकरी आइटम्स की तो वहां पे क्या हो रहा है ट इज यूज एज एन इनपुट टू प्रोड्यूस बेकरी आइटम्स हम बात करें मिल्क की प्राइमरी डिमांड क्या है देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन प्राइस एंड क्वॉंटिटी डिमांड फॉर मिल्क एट रिटेल लेवल बट एट द सेम टाइम जब आप डिराइव डिमांड की बात करोगे क्या होगा दैट इज डिमांड फॉर मिल्क वेयर डिमांड फॉर मिल्क बिकॉज ऑफ डिमांड फॉर सर्टन अदर कमोडिटीज वो अदर कमोडिटीज क्या हो सकती हैं सपोज हम बात कर लेते हैं आइसक्रीम की आइसक्रीम को प्रोड्यूस करने के लिए बेसिक इंग्रेडिएंट क्या होगा इट रिक्वायर्स मिल्क। अब यहां पे जो डिमांड फॉर मिल्क होगी उसको आप क्या कहोगे इट इज कॉल्ड एज ड्राइव डिमांड फॉर मिल्क हम बात कर लेते हैं चीज की चीज कहां से प्रोड्यूस होगा अगेन बेसिक इनग्रीडियंट इज मिल्क एंड दैट डिमेंड फॉर मिल्क दैट इज यूज टू प्रोड्यूस चीज उसको आप क्या कहोगे दैट इज ड्राइव डिमांड फॉर मिल्क वेयर मिल्क इज यूज एज एन इनपुट टू प्रोड्यूस एन अदर आउटपुट हां जी कुछ और भी एग्जाम्पल आप के रेफरेंस में ले सकते हो कि हम बात कर लेते हैं दही की दही कहां से प्रोड्यूस होगा अगेन टू प्रोड्यूस दही यू नीड मिल्क अब ये जो मिल दही को प्रोड्यूस करने लिए जो आपकी डिमांड फॉर मिल्क होगी उसको भी आप क्या कहोगे दैट इज ड्राइव डिमांड फॉर मिल्क बेसिकली जब आप एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में बात करते हो विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चरल कमोडिटीज बात करते हो तो वहां पे ड्राइव डिमांड बड़ा की रोल प्ले करता है और मोस्टली जो भी आपके पास मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हैं देयर इज अ ड्राइव डिमांड फॉर दो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज फॉर एग्जाम्पल हम फ्रूट्स की बात कर लेते हैं जब आप फ्रूट्स की बात करोगे एक तो यह है देर इज अ डिमांड फॉर फ्रूट्स एट द रिटेल लेवल दैट सिंपली डिपेक्स एसोसिएशन बिटवीन डिमांड एंड क्वानिटी डिमांड एंड प्राइस लेकिन जब आप ड्राइव डिमांड फॉर फ्रूट्स की बात करोगे कहा किस फॉर्म में हो गए जी आपके पास तीन में कई दफे फ्रूट मिल जाते हैं जो पैक्ड होते हैं तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए भी बेसिक इनग्रीडियंट क्या है अगेन यू रिक्वायर फ्रूट्स हाँ जी आप पोल्ट्री की कोई एग्जाम्पल ले लो पोल्ट्री में क्या हो सकता है कि जी आपको पोल्ट्री मीट यू नीड पोल्ट्री मीट टू प्रोड्यूस रेडी टू कुक फूड आइटम्स वो रेडी टू कुक फूड आइटम्स क्या हो सकती है आपके पास बहुत सी चीजें हैं मार्केट में जो आपको मिलती हैं जो आप बेसिकली यूज कर रहे हो प्रोड्यूस कर रहे हो बाई यूजिंग पोल्ट्री मीट एज अ बेसिक इनग्रीडियंट के पोल्ट्री मीट इज यूज टू प्रोड्यूस टू दो रेडी टू कुक आइटम्स उसमें क्या आ सकता है जिस जिसपोज हम बात कर लेते हैं नगर्ट्स की टू प्रोड्यूस नगर्ट अगेन बेसिक इंग्रेडिएंट क्या होगा इट क्रिएट डिमांड फॉर पोल्ट्री मीट और ये जो डिमांड फॉर पोल्ट्री मीट राइज हो रही है बिकॉज ऑफ डिमांड फॉर नगर्स इसको आप क्या कहोगे इट इज इट इज ड्राइव डिमांड फॉर पोल्ट्री मीट आपके पास मैंने मिल्क के रेफरेंस में भी बात कर दी मैंने वीट के रेफरेंस में भी बात कर दी मैंने आपके साथ पोल्ट्री मीट के रेफरेंस ने में भी बात कर दी तो ये सारा क्या इंडिकेट करता है कि इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज ड्राइव डिमेंड इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को रेप्लीकेट करें विद रेफरेंस टू कॉर्न अ पर्टिकुलर कंट्री तो जो भी आपके पास कॉर्न क्या है मक्की बेसिकली जो भी आप प्रोड्यूस हो रही है वो किस लिए यूज हो रही है या तो उसको इंसान यूज कर रहे हैं उस मक्की को हम किस लिए यूज करते हैं उस मक्की को यूज किया जा रहा है टू तो प्रोड्यूस एनिमल फीड एनिमल फीड किस फॉर्म में जी वो जानवरों के चारा के तौर पे भी यूज होगा वो आपके पास पोल्ट्री फीड में भी यूज हो रहा है फिर इसी तरह जो आपके पास मक्की प्रोड्यूस हो रही है वो किस लिए हो रही है दैट मक्की आप यूज कर सकते हो टू एक्सपोर्ट वो मक्की यूज हो सकती है टू प्रोड्यूस एथनॉल प्रोडक्शन सो फार्म लेवल डिमांड फॉर कॉर्न डिपेंड्स अपॉन मैन्युफेक्टर उन मैन्युफैक्चरर्स में एक तो है प्राइस ऑफ वीट क्या है और सॉरी प्राइस एंड कॉर्न देयर इज आ डरेक्ट कितनी क्वांटिटी डिमांड ह्यूमन कंजम्पशन के लिए डिमांड की गई अगेंस्ट डिफरेंट प्राइस दैट इज द प्राइमरी डिमांड फॉर कॉर्न जब आप डिराइव्ड डिमांड की बात करोगे तो वो कहां पे आएगी कि जिसपोज अगर मैं बात करूं विद रेफरेंस टू एक्सपोर्ट्स अब एक्सपोर्ट्स ऑफ कॉर्न किस चीज पर पे डिपेंड करेगी ये डिपेंड करेगी कि वट इज द इनकम एंड पॉपुलेशन इन अदर कंट्रीज ये किस चीज पर पे डिपेंड करेगी कि अगर मैं बात करूं कि जिस पोज चाइना इज द इम्पोर्टर ऑफ द कॉर्न दैट इज प्रोड्यूस इन दैट पर्टिकुलर कंट्री तो वो डिपेंड करा कि चाइना में पर कैपिटा इनकम क्या है चले कि चाइना में कॉर्न का कोई सब्सिट्यूट भी है कि नहीं ये सारे फैक्टर्स किस चीज को इफेक्ट करेंगे इट विल इफेक्ट प्राइस ऑफ द कॉर्न दैट इज प्रोड्यूस्ड इन दैट पर्टिकुलर कंट्री और इसकी वजह से जो आपकी डिमांड फॉर कॉर्न राइज हो रही है उसको आप क्या कहोगे इट इज कॉल्ड एज ड्राइव डिमांड फॉर कॉर्न जब आप बात करोगे एंड अदर यूज ऑफ कॉर्न जैसे हमने शुरू में बात की के जी कॉर्न इज यूज टू प्रोड्यूस एथेनॉल अब एथेनॉल की जो प्रोडक्शन है ये भी किस चीज़ पर डिपेंड करेगी इट आल्सो क्रिएट्स अ ड्राइव डिमांड फॉर कॉर्न हाँ जी किस चीज पर डिपेंड करेगी इट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन द सप्लाई एंड डिमांड कंडीशन इन द पेट्रोलियम मार्केट क्या जी इफ देयर इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन द मार्केट देन क्या होगा इट विल इंक्रीज द डिमांड फॉर एथनॉल एंड इफ देर इज इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एथनॉल इट विल क्रिएट इट विल इंक्रीज दिमांड फॉर कॉर्न और यहां पर यह जो कॉर्न की डिमांड इंक्रीज हो रही है इसको आप क्या कहोगे दैट इज ड्राइव डिमांड फॉर कॉर्न यू आर बेसिकली आप कॉर्न को डिमेंड कर रहे हो टू प्रोड्यूस एन अदर आउटपुट वो अदर आउटपुट क्या है दैट इज एथनॉल अब इसी चीज को अगर मैं रेप्लीकेट करूं विद रेफरेंस टू फार्मिंग इनपुट्स वो फार्मिंग इनपुट्स क्या हैं जी आपके पास सीड भी है आपको फर्टिलाइजर भी रिक्वायड टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चर आउटपुट डिमांड फॉर फार्मिंग इनपुट्स भी क्या है इट इट इज कैन आल्सो बी ड्राइव ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज दैट आर प्रोड्यूसड इन एन इकोनोमी हाँ जी अगर मैं इसको समराइज करूँ तो डिमांड फॉर कमोडिटीज एट फॉर्म लेवल इज ड्राइव फ्रॉम द डिमांड फ्रॉम मेनी डिफरेंट रोज ऑफ कमोडिटी वो डिफरेंट यूजेज ऑफ कमोडिटी क्या है वेयर दे यूज एज इनपुट इन द प्रोडक्शन ऑफ मैनी इंटरमीडिएट एंड फाइनल प्रोडक्ट क्या जी जब आपने बात की पोल्ट्री की तो वहां पर ड्राइव डिमांड कहां से जनरेट हुई वेन हम वो यूज पोल्ट्री मीट टू प्रोड्यूस सम अदर आउटपुट सम अदर कमोडिटी वो अदर कमोडिटी क्या थी मे बी इन दी फॉर्म ऑफ रेडी टू कुक फूड आइटम्स